अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। सेना के साथ रखी है और एक लंबे इंतजार से हम 10 महीने से सभी जानते हैं ये कि हमारे सारे क्षेत्र खुल चुके हैं, एक शिक्षा को छोड़कर अभिभावक फीस देने को तैयार नहीं है और सरकार की तरफ से हमारे पास कोई ठोस गाइडलाइन नहीं है। और अभी शायद सभी ये जानते हैं कि हमने इस शहर से अपने दो भाइयों को खोया है जो इसी चिंता में दिल के दौरे से चले गए। तो आप ये समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा स्कूल संचालक इस चिंता में आप समझिए कि कर्जे में आ चुके हैं और स्थिति ये है कि सारे शिक्षा जगत में जिनको आधी सैलरी मिल रही है वो लोग अपने घर के खर्चे नहीं चला पा रहे हैं। तो क्या सरकार क्या चाहती है कि आधे से ज्यादा शिक्षा जगत के लोग ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हों या हम लोग भूख हड़ताल या आंदोलन करें? हमें सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं है, अभिभावक फीस देना नहीं चाहता। तो आज ये सभी स्कूल संचालक हम लोग साथ मिल चुके हैं, एक मंच पे आ चुके हैं और सभी ये कह रहे हैं सरकार से, ये हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज है कि अगर जल्द से जल्द हमें उनकी तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है तो हम भूख हड़ताल अनशन या यहां तक कि हमारा आखिरी कदम आत्मदाह भी है, क्योंकि ऐसे नहीं तो हम ऐसे भी अपने भाइयों को खो रहे हैं। यहां पर शिक्षा जगत में आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो हम लोग कर्जे में बैठे हुए हैं, कब तक ऐसे चलेगा? 10 महीने से हम इन चीजों से जूझ रहे हैं और आखिर कब तक? और ये हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई से या फीस नहीं दे रहा तो हम उसे अगले सत्र के लिए ना प्रमोट करेंगे ना टीसी देंगे, क्योंकि हम कब तक इन चीजों से जूझेंगे? अब हमारे ऊपर ये स्थिति आ चुकी है कि हम आत्मदाह करने के लिए विवश हो चुके हैं। तो क्या सरकार हमसे यही चाहती है? तो हमें जल्द से जल्द कोई ठोस आदेश चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय देता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद भी कहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि मेरा नाम लक्ष्मीनारायण बघेल है, मैं श्री भारत अकेडमी का प्रबंधक हूँ। जैसा कि अभी हमारे मयंक सर ने, मनीष सर ने और मैडम ने भी बताया कि उद्देश्य हमारा क्या है, क्योंकि 9-10 महीने से स्कूल बंद हैं और समस्याएं सभी लोगों को मालूम पड़ चुकी हैं। अब तक कई बार हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है कि हम लोग किस कदर परेशान हैं। जैसा कि मैडम ने अभी कहा था कि हम लोगों के पास कर्जे भी हैं, बैंक प्रेशर बना रही है, यहाँ तक कि आरटीओ ऑफिस भी प्रेशर बना रहा है, यानी कि हर तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर है। यहाँ तक कि टीचर्स प्रेशर बना रहे हैं, स्टाफ प्रेशर बना रहा है कि अब हमें फुल सैलरी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की समस्या को देखते हुए जो हमारे पास इतनी समस्या है कि हम ये साथ कैसे सरवाइव करें, कैसे टीचर्स को सैलरी दें, कैसे बैंक्स की किस्त निकालें, कैसे आरटीओ ऑफिस जो हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है कि गाड़ियों का जो फिटनेस कराइए, तो इन सब चीज़ों का प्रेशर है। जबकि सारे व्यापार पूर्णतः खुल चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि उन्हें डर है कि स्कूल खुलने से कोरोना फैल जाएगा अधिक मात्रा में। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं शासन और प्रशासन से कि शादी से ज़्यादा कोरोना शायद किसी से नहीं फैल सकता, जिसमें बफे की जो दावत होती है उसका अहम योगदान होगा कोरोना को बढ़ाने में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बुफे की दावत को जो चमचा उसमें पड़ा होता है उसमें एक व्यक्ति छूता है और उसी को उसमें आने वाले सारे व्यक्ति उसको छूते हैं, और उससे डर ज़्यादा है या स्कूल में जो संयमित आकर के बच्चा बैठता है जिसमें सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, यहाँ तक कि उनको प्रॉपर सैनिटाइज कराया जाता है, प्रॉपर सारी व्यवस्थाएँ की जाती हैं, एक सीट पर एक बच्चे को बैठाने का भी इंतजाम किया गया है, उस जगह कोरोना होगा या जहाँ पर 1500 की भीड़ एकत्रित होकर के खाना खा रही है वहाँ पर कोरोना का डर होगा? तो मैं तो शासन प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही बात कहना चाहेंगे कि हम लोगों की व्यथा को, परेशानी को समझें और सारे स्कूल संचालकों की परेशानी को समझते हुए स्कूल को जल्द से जल्द खोलने का प्रयास करें। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं करते हैं कि 9-10 महीने हो चुके हैं, अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम सब स्कूल वालों की स्थिति ये है कि जैसा कि मैडम ने भी कहा कि हम लोग आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हैं, और हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है और हमें कहीं समाधान नहीं मिल रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है और आप मीडिया कर्मियों से भी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएँ और इसका कोई समाधान निकल पाए। धन्यवाद।
सर, तो आज जो किसकोनो स्कूल में जो पत्रकार वार्ता रखी है, ये बेसिकली जो स्कूल अभी तक नहीं खुल पा रहे हैं उसके कारण रखी गई है। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो स्कूल्स अभी तक नहीं खोले हैं उन स्कूलों को खोला जाए, ताकि बच्चों को भी शिक्षा प्रॉपर मिले और आने वाले टाइम में जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनको भी प्रॉपरली कंडक्ट कराया जाए। और इसके अलावा अभिभावकों से भी ये हम उम्मीद करते हैं कि अभिभावक अब स्कूल में फीस वगैरह जमा करें। उसके अलावा सरकार बच्चों को भी अब इतनी तो छूट देनी चाहिए कि बच्चे स्कूल आएँ, अपना स्कूल में पढ़ें, जो रिमेनिंग टाइम रह गया उसमें अपना पूरा कोर्स करके अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें। यही हमारी निवेदन है कि सरकार से कि इसको जल्द से जल्द खोलने के प्रयास किया जाए। प्रेस वार्ता आज बहुत दुखी मन से हम सब लोगों ने रखी है। स्कूल संचालकों के और स्कूलों के ऊपर इतना ज़्यादा जो अंकुश लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। पिछले 10 महीनों से सभी स्टाफ मेंबर्स आधी आधी तनख्वाह लेके बिल्कुल किल्लत में जी रहे हैं। हम ये आपको कहना चाहेंगे कि फिरोजाबाद के अंदर 2 स्कूल संचालक ने अपने प्राण दे दिए हैं। सुनील दीक्षित जी जो ओम साई पब्लिक स्कूल चलाते हैं, और प्रशांत तिवारी जी जिन्होंने न्यू सेंट पॉल स्कूल के वो संचालक थे, इसी चिंता में कि उनके स्कूल कब खुलेंगे। अभिभावकों ने बिल्कुल फीस से हाथ खींच लिया है। इधर टीचर्स भी बेचारे भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। कभी तो सुनवाई हो, हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि तुरंत कार्रवाई करके अध्यापकों को और समस्त स्टाफ को अनुदान के रूप में सरकार की तरफ से आप वेतन दें, अन्यथा स्कूलों को तुरंत खोलें। अब COVID-19 काफ़ी उत्तर प्रदेश के अंदर तब भी बहुत बेहतर स्थिति है बिहार से। हमारा क्लियर कट चेतावनी और आग्रह है कि स्कूलों को या तो खोलिए और या फिर अनुदान के रूप में उन शिक्षकों को दीजिए। और जो हमारे 2 संचालक जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, उनके परिवार को भी, पूरी दुनिया को दिया जाता है, तो क्या ये शिक्षक इंसान नहीं है? उनको भी, जो संचालक हमारे जो नहीं रहे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी प्रशासन मदद दे, आर्थिक मदद दे, जिससे उनका परिवार भुखमरी के कगार पर ना रहे।